गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में हम लोग रिलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे जो कि रिलेशन का अगला चैप्टर है, फंक्शन। ठीक है, अब जैसे कि फंक्शन हम लोग कहते किसको हैं, है ना, फंक्शन हम लोग किसको कहते हैं, फंक्शन होता क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, है ना। हम लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ा, सेट थ्योरी के बाद रिलेशन पढ़ा, है ना। रिलेशन में भी हम लोगों ने जो एनसीईआरटी में जो टॉपिक सब है उसको ही देखा है, तो साइड बुक वगैरह में टॉपिक है उसको हम लोग थोड़ा सा स्किप करके चल रहे हैं। लेकिन हम लोग लास्ट में जब ये खत्म हो जाएगा फंक्शन वगैरह, उसका लास्ट में हम एक तीन चार दिन का क्लास लेंगे, मिसलेनियस क्लास, जिसमें हम लोग पूरा का जो छोड़े हुए हैं साइड बुक में वो सारे की सारी बातें इसमें हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि फंक्शन हम लोग किसको कहते हैं। तो फंक्शन की डिफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फंक्शन क्या होता है कि एक प्रकार का रिलेशन ही होता है। क्या होता है? एक प्रकार का रिलेशन, एक प्रकार के रिलेशन को ही हम लोग फंक्शन कहते हैं, मतलब एक प्रकार के संबंध को ही क्या बोलते हैं हम लोग, फलन कहते हैं। ठीक है, लेकिन उस संबंध में एक गुण होना चाहिए, उस गुण को अगर वह सेटिस्फाई करता है रिलेशन तभी वह क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। अब क्या होता है फंक्शन, डिफिनेशन वाइज समझते हैं। ए रिलेशन एफ इज सेड टू बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मतलब कि कोई रिलेशन है एफ, उसको हम लोग सेट ए से सेट बी में फंक्शन कहते हैं, यानी फंक्शन कहलाता है। यानी कि फंक्शन हम लोग कब कहते हैं उसको, इफ एंड ओनली इफ क्या कहता है कि ए सेट के जो प्रत्येक अवयव होंगे, ए सेट के क्या होंगे, प्रत्येक अवयव उनका प्रतिबिंब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब। अब ये प्रतिबिंब क्या होता है आप लोगों को पता होगा, जो रिलेशन पढ़े होंगे इससे पहले, जो इससे पहले रिलेशन पढ़ चुके हैं उसको तो पता होगा कि प्रतिबिंब क्या होता है। अगर नहीं पता होगा तो देखिए क्या होता है प्रतिबिंब। पहले कंडीशन देखिए, देखिए क्या होता है कि इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एलिमेंट हैज सॉरी हैज इमेज। मतलब कि ए के प्रत्येक अवयव के पास क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मतलब ए सेट का कोई भी एक एलिमेंट छूटना, अभी देखते हैं हम लोग आगे। दूसरा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन ओनली ओनली वन इमेज। क्या कहा कि ए सेट के प्रत्येक अवयव के पास केवल एक प्रतिबिंब, कितना प्रतिबिंब हो, मतलब ए सेट का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके पास क्या हो, एक से अधिक इमेज हो। क्या हो? एक से। अब इसको थोड़ा हिंदी वर्जन में हम लोग समझते हैं, किसमें समझते हैं, हिंदी वर्जन में क्या लिखा, ए रिलेशन एफ इज सेड टू बी अ फंक्शन। मतलब एक संबंध एफ फलन कहलाता है, किसमें, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब समुच्चय ए से समुच्चय बी में। ठीक है, कोई संबंध एफ फलन कहलाता है इफ एंड ओनली इफ, मतलब यदि और केवल यदि
पहला ऑप्शन क्या है कंडीशन कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इमेज, मतलब ए सेट के प्रत्येक अवयव के पास क्या हो, इमेज हो। इमेज माने प्रतिबिंब हो, मतलब ए सेट का जैसे देखिए ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है। अब क्या है बाबू जी सुनो, ए सेट में एलिमेंट एक दो तीन सॉरी सुनिए, हमारे पास कोई दो सेट है, ए सेट है और बी सेट है। अब इसमें एक फंक्शन एक रिलेशन डिफाइंड हुआ है, लेकिन ये फंक्शन कब कहलाएगा, जब ए के प्रत्येक अवयव का बी में क्या हो, प्रतिबिंब हो, क्या हो। तो देखो हम बनाते हैं प्रतिबिंब, देखो ठीक है। अभी देखिए आप लोग कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब बन रहा है क्या, प्रतिबिंब किसको बोलते, देखिए एक जैसे एक से मिला ना तो एक का प्रतिबिंब कौन हो गया, एक हो गया, दो का प्रतिबिंब, तीन का प्रतिबिंब तीन, ठीक है। इस एग्जांपल में ऐसा हुआ, ठीक है। अब देखिए कि दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज, मतलब ए के प्रत्येक अवयव का बी में कितने इमेज हो, एक इमेज हो, कितने इमेज हो। देखिए तो ए के प्रत्येक अवयव का क्या इमेज है, इसमें एक का क्या इमेज है, एगो इमेज है, दो का क्या इमेज है, एगो इमेज है, तीन का क्या इमेज है, एगो। मतलब कि कुल मिला के बात यह है कि दो समुच्चय ए और बी, तो समुच्चय ए और बी में परिभाषित संबंध एफ फलन कहलाता है यदि और केवल यदि ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो, कितना प्रतिबिंब हो, एक और केवल एक प्रतिबिंब हो। अगर एक से अधिक प्रतिबिंब हो गया या एक का कोई भी अवयव प्रतिबिंब नहीं बनाया तो उस केस में क्या होगा, वो फंक्शन, तब वो क्या होगा, केवल और केवल रिलेशन होगा, क्या होगा, रिलेशन फंक्शन वो उस केस में। तो यहां पर आप देखिए कि क्या ये आपको लग रहा है कि फंक्शन है, ये आपको फंक्शन नजर आ रहा है, वो ये फंक्शन नहीं नजर आ रहा है ना, फंक्शन, ये फंक्शन है कि नहीं है, क्या है, देखो ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब, इसलिए क्या हो जाएगा, यह फंक्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या है इसमें, हिंदी वर्णन लिखिएगा, लिखिए इसको पहले, लिखिए तो करिए तो पहले इसको बताइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस पर और भी एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं इसके डिफिनेशन को। जैसे कि मान लीजिए अब अगर हमको दिया हुआ है गिवन रिलेशन, ठीक है, क्वेश्चन ये है इज गिवन रिलेशन ए फंक्शन, मतलब यहां जो दिया जाएगा फंक्शन वो रिलेशन जो फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए कि इसको जो रिलेशन दिया हुआ है क्या यह फंक्शन है कि नहीं, ये हमसे पूछ रहा है। और यहां पर ए सेट और बी सेट अगर अगर नहीं दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो ठीक ही है, अगर मान लीजिए कि नहीं दिया हुआ है ए सेट और बी सेट, तो हम क्या करेंगे कि ए सेट को फर्स्ट कंपोनेंट वाला जो है उसको हम ए सेट ले लेंगे, क्या लेंगे, ए सेट, ठीक है, और सेकंड वाले क्या लेंगे, बी सेट। चलिए अब फर्स्ट में कौन कौन है, एक है और सेकंड वाले में क्या है, एक दो तीन चार, ठीक है। अब समझिए कि एक को एक से मिला दिए, दो को, लेकिन एक फिर दो से भी तो मिल रहा है, देखिए ना, एक एक से मिला फिर एक किससे मिला, एक किससे मिला, हो एक के बगल में जो है कैसे नहीं मिलेगा, फिर दो किससे मिला, तीन,
चलिए, फंक्शन में दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इमेज, मतलब ए के प्रत्येक अवयव का इसमें इमेज होना चाहिए। तो हाँ बिल्कुल इमेज है, ए का कोई भी एलिमेंट छूट रहा है, देखिए तो ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा है जिसका कोई भी इमेज नहीं हो, ऐसा कोई एलिमेंट है? ए का कोई भी ऐसा अवयव है जिसका कोई भी प्रतिबिंब नहीं हो? देखिए बताइए, अरे ए में कोई भी एलिमेंट छूट रहा है? नहीं ना छूट रहा है, चलो तो पहला कंडीशन तो हो गया। लेकिन दूसरा कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज, कितना इमेज होना चाहिए? एक और केवल एक इमेज। देखिए इसमें ए सेट के एलिमेंट में कि क्या गो इमेज है? एक का क्या गो इमेज? दो गो। तो एक का दो गो इमेज जब हो गया तो उस केस में क्या फंक्शन होगा? नहीं होगा फंक्शन। जब भी एक से अधिक इमेज हो गया तो फंक्शन होगा? नहीं होगा फंक्शन, नहीं होगा। चलिए एक और बात समझिए इसमें। अब इसे बोलिएगा सर ये फंक्शन नहीं है, इसको शॉर्टकट में कैसे पहचाने? देखिए कभी भी अगर फर्स्ट कंपोनेंट, कभी भी अगर क्या हो, फर्स्ट कंपोनेंट अगर दोबारा चलाया, एक से अधिक बार फर्स्ट कंपोनेंट नहीं आना चाहिए, एक से अधिक बार फर्स्ट कंपोनेंट अगर पहचानना है फंक्शन को तो कैसे पहचानिएगा? कि फर्स्ट कंपोनेंट एक से अधिक बार नहीं, सेकंड कंपोनेंट भले ही एक से अधिक बार चला है उससे कोई मतलब, क्योंकि तो इसमें जितना भी लिखा हुआ वो किसके लिए लिखा गया है? ए सेट के लिए। किसके लिए लिखा गया है? ठीक है, बी सेट के लिए कुछ लिखा गया है क्या? नहीं। ए सेट पर ही प्रतिबंध है कि ए सेट के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बनना चाहिए, और ए सेट के ही प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब बनना चाहिए। बी सेट के लिए कुछ भी फंक्शन में नहीं दिया गया है, बस समझ गए। यानी शॉर्टकट में पहचानना है तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या होना चाहिए? एक से अधिक बार। अब देखिए फर्स्ट कंपोनेंट इसमें कितना बार आया है? देखो एक क्या बार आ गया, पहला बार, दो बार आ गया ना, इसलिए क्या हो गया ये फंक्शन। तो आप देख के भी बता सकते हैं कि फंक्शन है कि, ठीक है। आर इज नॉट अ फंक्शन, क्या चीज? बात को समझ गए आप लोग कि फंक्शन कब होगा? जब भी फर्स्ट कंपोनेंट एक से अधिक बार चलाया तो वो फंक्शन। कोई दिक्कत? इसको आप लोग पहचान लीजिएगा। अच्छा सुनिए एक और बात, अब इसी पर एक और क्वेश्चन आपको है। बताइए ये रिलेशन जो है R2 R1, ये क्या होगा? फंक्शन होगा? R1 देखो तो फंक्शन होगा, रे फर्स्ट कंपोनेंट देखो, सेकंड को नहीं देखो, बोले हैं कि सेकंड को तुमको नहीं देखना है, सेकंड अगर सेम हो रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड अगर क्या रहेगा, सेकंड अगर सेम भी रहेगा तो कोई दिक्कत, फर्स्ट क्या रहना चाहिए? एक क्या बार है? एक बार ना है रे, फर्स्ट कंपोनेंट में क्या बार, दो क्या बार, फर्स्ट कंपोनेंट में, पता फर्स्ट कंपोनेंट इसको ना बोलते हैं, पहला वाले को ना, पहला बार में क्या बार है? एक दो तीन, एक बार है, इसलिए ये फंक्शन होगा ना। क्यों? क्योंकि देखो तुम ऐसे भी बना लो, देखो एक दो तीन, यहाँ केवल दो है, बताइए फंक्शन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि एक एक प्रत्येक अवयव का इसमें प्रतिबिंब बन रहा है, और दूसरा बात एक और केवल एक का क्या प्रतिबिंब है? एक गुना है, दो के प्रतिबिंबों की संख्या एक, तीन के प्रतिबिंबों की संख्या, भले ही सब एक गो से मिल गया उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब, एक गो से मिला कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या गो से मिलना चाहिए? एक गो से, माने एक ही, माने ए सेट के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। बात समझ रहे हैं आप लोग? बाद में कोई दिक्कत नहीं है, चलिए लिखिए इसको। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें इसमें होती हैं नोटेशन के रूप में हम लोग यूज करते हैं, है ना। यानी कि हम लोग ये भी जान गए कि F में जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर होगा। क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। जैसे कि देखिए, लिखिएगा इफ
एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब एफ क्या है, एक फंक्शन है। अब अगर सेट ए से सेट बी में अगर डिफाइंड हो रहा है, किस पे हो रहा है, सेट ए से सेट बी में, ठीक है, एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ है, मतलब डिफाइंड का मतलब होता है परिभाषित होना, ठीक है, परिभाषित हुआ। चलो तो अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है किसमें, एफ में, कोई फंक्शन है जो कि ए सेट से बी सेट में है, तो ए कॉमा बी कहां बिलोंग कर रहा है, एफ सेट में। और तो अब यहां से एक और बात जान लीजिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए होगा और बी बिलोंग्स टू कहां होगा, बी सेट होगा, यानी जो पहला एलिमेंट है ये कौन सा सेट का होगा, सेट ए का होगा, किसका होगा, और दूसरा का एलिमेंट किसका होगा, सेट बी का होगा, ठीक है। अब अगर पूछा जाए या कहा जाए आपको कि इमेज चाहे एंड ए इज सेट टू बी, बी देखिए देखिए सुनिए, इस एलिमेंट बी को, सुनिएगा, इस एलिमेंट बी को ए का हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यानी बी इज सेड टू बी एन इमेज ऑफ ए। अच्छा ये वो बात जान लीजिए, ये जो इमेज आया बी, जो आया इमेज, यहां जो बी इमेज है ना, बी क्या है, ए का इमेज है, इतना बुझा ना इमेज है, लेकिन किसके थ्रू इमेज है, माने किसके अंदर में है, ये एफ के अंदर में है, किसके अंदर में है, क्योंकि एफ ही ना इसका इमेज बना रहा है, एफ ही ना है जो फंक्शन है जो ए को बी से मिला रहा है, अरे मिलाने वाला कौन है, एफ है, मिलाने वाला कौन है, इसलिए क्या लिखेंगे कि बी इज सेड टू बी एन इमेज ऑफ ए अंडर एफ, क्या बोलेंगे, अंडर, और इसे हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए, क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए का मतलब क्या हुआ कि ए का इमेज, ए का क्या हुआ, इमेज, ए का इमेज कौन होगा इसमें रे, बी होगा, ए का इमेज कौन होगा, बी। अच्छा ए को हम क्या बोलेंगे, देखो तो ए इज सेड टू बी ऑफ प्री इमेज, कौन इमेज, प्री इमेज ऑफ ए अंडर एफ, ठीक है। अभी हम लोग इनवर्स के बारे में नहीं पढ़े हैं, इसलिए अभी इनवर्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। क्या है कि ए को हम क्या बोलते हैं, बी का प्री इमेज, ए को क्या बोलते हैं, यानी फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा किसी ऑर्डर्ड पेयर का, सुनिएगा, फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, दूसरे वाले का प्री इमेज होगा, क्या होगा, माने प्री इमेज। अब सुन लीजिए, कुछ का हिंदी भी जान लीजिए, जैसे इमेज को हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिबिंब, क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब, और प्री इमेज को बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब, क्या बोलते हैं, ठीक है, यानी प्राक प्रतिबिंब, ठीक है, दो नाम हो सकता है इसका, प्री इमेज का पूर्व प्रतिबिंब या प्राक प्रतिबिंब, और प्री का मतलब भी होता है प्राक, ठीक है, इसे वहां पर ले दिया गया है, इमेज का मतलब प्रतिबिंब। तो आपसे पूछेगा कि ए का प्रतिबिंब कौन है, तो क्या बोलिएगा, ए का प्रतिबिंब, ए का प्रतिबिंब कौन होगा, बी, अब बी का पूर्व प्रतिबिंब कौन होगा, ए होगा, बात समझ रहे हैं, चलिए इतना में कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। अच्छा एक क्या चीज, किसको किसको फिर से पूछना है, क्या हुआ दिक्कत, सो बताओ, खड़ा हो जाओ, क्या दिक्कत है, बोलो, हाँ फंक्शन क्या, अरे क्या पूछना है, बोलो ना भाई, ऊपर समझा रे, ठीक तो सुनो, क्या लिखा हुआ है कि एफ क्या है, सेट ए से सेट बी में क्या है, फंक्शन है, क्या है, फंक्शन। अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू f है, a कॉमा b बिलोंग्स टू,
मतलब ए कॉमा बी एक ऑर्डर पेयर है जो एफ सेट में एफ रिले सॉरी एफ फंक्शन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जहां आपका फर्स्ट कंपोनेंट किसका है, ए सेट का है, और सेकंड कंपोनेंट किसका है। अब फर्स्ट ए का क्यों है, क्योंकि यहां पर लिखे हैं सेट ए फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसलिए फर्स्ट किसका होगा, ए सेट का होगा। दूसरा किसका होगा, बी सेट का। तो हम बी को क्या बोलेंगे, ए का। तो बी इज सेट टू बी एन इमेज ऑफ ए ऑफ अंडर एफ, मतलब बी को हम लोग ए का क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और इमेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब, ठीक है। फिर ए को हम क्या बोलेंगे, तो ए इज सेट टू बी अ प्री इमेज, कौन इमेज, प्री इमेज ऑफ ए अंडर सॉरी बी हो गया, यहां क्या होगा, बी, ठीक है। मतलब ए को हम बी का क्या बोलते हैं, प्री इमेज। क्या बोलते हैं, प्री इमेज अंडर एफ, ठीक है। और प्री इमेज को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्व प्रतिबिंब या प्राक प्रतिबिंब, ठीक है, नाम है इसका हिंदी में, बस समझ गए, हिंदी ट्रांसलेशन है कि प्री इमेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्व प्रतिबिंब या प्राक प्रतिबिंब। ये प्राक वर्ड है, इसका मतलब भी पूर्व ही होता है, प्राक का मतलब क्या होता है, पूर्व, बस समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है कि प्री इमेज क्या होता है, इमेज क्या होता है, कोई समस्या है नहीं ना है। अरे इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है, आप लोगों को समस्या है किसी को, नहीं ना है। चलिए अब आगे एक और देखिए, अगर लिखिएगा इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन इट इज डिनोटेड बाय, देखिए अगर कोई फंक्शन एफ, फंक्शन एफ ए सेट से बी सेट में हो, माने सेट ए से सेट बी में एफ क्या हो, एक फंक्शन हो, एक क्या हो, एफ क्या हो, एक, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, देखो एफ इस तरह से डिनोट करिएगा आप लोग, या फिर इस दोनों तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर अगर लिखना है, सुनिए एक मिनट, अगर लिखना है आपको कि एफ जो है इसको लिखिएगा, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, इसी बात को नोटेशन में कैसे लिखेंगे, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू, पढ़ेंगे वही लिखेंगे, यानी यहां यहां अगर कहीं पर ऐसा कहीं पर लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट b। इसको और भी कुछ पढ़ते हैं, इसको पढ़ सकते हैं f maps फ्रॉम सेट ए टू सेट b, या f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट b, ठीक है, बात समझ रहे हैं। आप जैसे पढ़ना है वैसे पढ़िए, लेकिन जो होगा वही पढ़िएगा, विशेष तो कुछ पढ़िएगा नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो लिखा हुआ है कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट b, कोई दिक्कत किसी को इसमें। इसको दो तरीकों से हम डिनोट करते हैं, एक ये तरीका है और एक ये तरीका है, ज्यादातर आपको ये तरीका यूज होगा, ज्यादातर आपको ये तरीका यूज होगा, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी किताब में आपको ऐसा तरीका भी देखने को मिल जाएगा, वहां पर घबराइएगा नहीं, पूछिएगा कि ये हमको पढ़ाया गया है, ये हमको बताया गया है, ठीक है। अच्छा बोलेगा कि सर इस ए को हम क्या नाम दें, सब का नाम हम लिख दिए, तो इस ए को क्या नाम देंगे, तो इस ए का नाम है डोमेन। क्या नाम है, डोमेन, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रांत। इसको क्या बोलेंगे, वो सुनिए, इसको हम बोलेंगे को डोमेन, क्या बोलेंगे, यानी कि सप्रांत, क्या बोलेंगे। अब बोलेगा सर परिसर किसको बोलते हैं, तो सब बताएंगे, चिंता नहीं करो, पहले लिखो इसको। चलिए तो यहां पर देखिए, अगर लिखा हुआ है आपको कि f maps a to b, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या बोलिएगा, डोमेन, इसको क्या बोलिएगा, कोडोमेन, सौ प्रांत। प्रांत होता क्या है, देखिए अगर जो मान लीजिए कि अगर लिखा हुआ है आपको y equals fx लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, y equals,
ठीक है। तो अगर यहां पर जो एक्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट, और इसको बोलते हैं डिपेंडेंट, क्या बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं स्वतंत्र और इसको बोलते हैं परतंत्र। तो यहां पर जो स्वतंत्र स्वतंत्र चर जो होता है वो जिस जगह का वैल्यू होता है, जिस क्षेत्र का वैल्यू होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो ये जो एक्स होगा इस ए सेट से लिया जाएगा, किससे लिया जाएगा, अभी थोड़ा और समझते हैं इसको, डिटेल्स में हम लोग समझेंगे, ठीक है। कैसे ए सेट का लिया था थोड़ा समझते हैं, देखिए जैसे कि समझिए, ये हमारे पास एक मशीन है, क्या है, एक मशीन है, ठीक है, ठीक है। ये कैसा मशीन है, एक एफ मशीन है, क्या है मशीन, चलिए एक बात हमको बताइए कि अगर आप गेहूं पिसवाने जाते होंगे ना, तो गेहूं अगर मान लीजिए इसमें हम गेहूं रखें, क्या रखें, इसका काम है पीसने का, क्या काम है इसका, तो ये क्या करेगा, नीचे क्या देगा हमको, आटा देगा, क्या देगा, लेकिन आटा किसका देगा, गेहूं का ही ना देगा आटा, हो किसका आटा देगा, इसे मान लो, सुनो रे सुनो, ये गेहूं रखा तुम इसमें, क्या रखा, गेहूं, इसमें रख चक्की है, ठीक है, तो यहां क्या आएगा बताओ, किसका आटा, गेहूं का आटा, ये आटा बना, ठीक है, क्यों बना, किसका बना, गेहूं का। अगर मान लो इसमें हम रखेंगे, मान लो हम रखें मक्का रखे, तो क्या होगा बताओ, क्या देगा, मकई का आटा देगा ना रे, चलो ठीक है। तो उसी प्रकार अगर मान लो ये चक्की जो है हमारा एफ है, क्या है, और यहां हम रख रहे हैं एक्स, क्या रख रहे हैं, तो बाहर में क्या मिलेगा हमको, वाई तो मिलेगा, ठीक है, लेकिन क्या कैसे लिखेंगे उसको हम लोग, एफ का एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ का एक्स, यानी क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स, यानी कि अगर इसमें इस फंक्शन में, ये भी एक प्रकार क्या है, फंक्शन है, ठीक है, इसमें अगर हम लोग x रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, f of x, अगर सपोज करो कि इसमें हम y रखते तो क्या मिलता, यहां y मिलता ना, क्या रे, क्या मिलता, y मिलता है ना, जिस प्रकार गेहूं का रखेंगे तो गेहूं का आटा होगा, मकई रखेंगे मकई का आटा होगा, है ना, उसी प्रकार फंक्शन में अब क्या रखेंगे हम लोग, वाई रखेंगे तो हमको एफ ऑफ वाई देगा। तो अब एक और बात समझिए कि जो वाई जिस जगह से आएगा, वाई जिस जगह से आएगा, जैसे मान लो गेहूं किस जगह से आता है, मान लो गेहूं अगर हम लेते हैं भंडार रूम से, अगर गेहूं लेते हैं ना, तो भंडार रूम क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो उसी प्रकार ये वाई जो है, जो इसमें रखने वाले हैं फंक्शन में ना, जो फंक्शन में रखने वाले हैं, ये वाई क्या हो जाएगा आपका, ये वाई जिस जगह से आएगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर ये एक्स अगर ए सेट से आ रहा है, किससे आ रहा है, तो ए सेट क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। अच्छा, फिर ये एफ वाई, एफ वाई जहां जाएगा, एफ वाई जहां, उसका जो स्टोरेज रूम होगा वही क्या होगा, को डोमेन होगा, क्या होगा, तो तुम बोलेगा सर रेंज क्या होगा, अरे रेंज वो होगा कि जब हम इसमें वैल्यू डालेंगे ना, तो जो जो वैल्यू इसमें देगा, जैसे मान लो इसमें गेहूं डाले हम, क्या डाले इसमें, गेहूं डाले, तो क्या मिलेगा हमको, गेहूं का आटा मिलेगा, मकई डालेंगे तो मकई का आटा मिलेगा, तो गेहूं का भंडार डोमेन हो गया। अब गेहूं के आटा का जो बोरी हो गया, क्या हो गया, तो गेहूं के आटा का जो बोरी हो गया उस समय के लिए, वो क्या हो गया, रेंज हो गया, क्या हो गया। ऐसे मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो जैसे कि हमारे पास कोई दो सेट है, देखो एक ए सेट है हमारे पास और एक क्या है, बी सेट है, ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ 1 2 3 ठीक, ठीक है। अगर मान लीजिए इस ए सेट को अगर इसे पूरा मिला रहे हैं, पहले तो फंक्शन कर लीजिए, फंक्शन है कि नहीं,
ठीक है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि हम बोले थे कि जैसे जहां से वैल्यू लेंगे तो यहां पर ठीक है f के अंडर f के माने f के अंतर्गत a का सारा लिमिट इसमें इमेज बना रहा है। क्या बना रहा है? तुम कहेगा सर डोमेन क्या है f का? इस केस में f का डोमेन क्या है ना, f का डोमेन क्या है? तो f का डोमेन कौन होगा? ये पूरा का पूरा a सेट होगा। चलो ठीक है भाई, ये सेट हो गया। कोडोम क्या होगा रे? तुम कहेगा सर b सेट होगा सर। चलिए तो रेंज क्या होगा रे? तो सुनो, देखो सुन ले, सुन सुन सुन, रेंज कौन होगा? जो जो इसमें इमेज बना है। क्या बना है? यानी कि इमेज सेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। इमेज सेट को क्या बोलते हैं? यानी कि यहां जो इतना जो मिला है ये वाला, यही क्या होगा आपका? सॉरी, ये आर तक ही मिला है, ठीक है। ये जो हुआ आपका क्या हो गया? रेंज हो गया। क्या हो गया? क्योंकि ये कोडोमेन का वैसे एलिमेंट का सेट जो ए सेट के किसी ना किसी अवयव क्या हो? इमेज हो। क्या हो? मतलब ए सेट के जो इमेज होंगे क्या होंगे? इमेज माने ए सेट के एलिमेंट जिस जिस से मिलेंगे वही क्या आएंगे? रेंज के अंदर आएंगे। तो बाबू रे बताओ रेंज में कौन कौन आ जाएगा रे? बताओ तो नहीं हमको, रेंज में कौन कौन आएगा रे? एक से कोई दिक्कत? तो रेंज आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए डोमेन ही पूरा हो जाएगा, को डोमेन ही पूरा हो जाएगा, और रेंज कौन हो जाएगा? जिससे केवल मिलेगा वही क्या होगा तुम्हारा? बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए अब इस पर आप लोग जैसे कि क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसको ही आप लोग कीजिएगा, ठीक है। और साइड बुक वगैरह में तो क्वेश्चन होगा ही, ठीक है। उसको आप लोग इस पर सिर्फ फंक्शन के डिफिनिशन वाले जो क्वेश्चन होंगे इसमें डोमेन को डोमेन और रेंज निकालना होगा, वही क्या होगा आपका क्वेश्चन बनेगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे कि फंक्शन के टाइप को पढ़ेंगे और उसके ग्राफ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।